भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमवार को रीवा में लेंगे कार्यकर्ताओं की बैठक, तैयारी अंतिम चरण में। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे के बाद विंध में राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेजी से बढ़ गई हैं। मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहली बार विंध की धरी पर इसी जगह पर कार्यकर्ताओं को जो इस बार उन्होंने जो नारा दिया है 200 पार उसका जीतने का मंत्र देंगे। मैं आपको बता दूं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 3 बार से सरकार है, इस बार कांग्रेस पार्टी काफ़ी तेजी से यहां पर अपने प्रचार प्रसार को बढ़ा रही है। विंध में 30 सीटें हैं, पिछले बार यहां से कांग्रेस के 12 विधायक थे, शायद भारतीय जनता पार्टी ने उसी को दिमाग में रखते हुए इस बार 30 की 30 सीटें जीतने के तौर तरीके बताने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ पर बुलाया है। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहली बार रीवा आ रहे हैं। वो यहाँ ग्राम केंद्र, नगर केंद्र, पालक संयोजकों की बैठक में भाग लेंगे। हम आपको बता दें, अमित शाह जहाँ सतना में पब्लिक मीटिंग कर विंध में चुनाव बिगुल फूंकेंगे, वहीं रीवा में कार्यकर्ताओं की बैठक में अब की बार 200 के पार के नारों को परिणाम में बदलने को लेकर जरूरी टिप्स देंगे। विंध क्षेत्र में इन दिनों भाजपा के दिग्गज नेताओं का डेरा है। जी हां, बिल्कुल, यहां पर अमित शाह के साथ ही कई भाजपा के दिग्गज नेताओं ने डेरा डाल रखा है। दरअसल विंध की 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इन सीटों पर कैसे वो विजय प्राप्त करें, इसके लिए रणनीति बना रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत कमल शक्ति संवाद के लिए यहाँ पर अमित शाह कल सभा करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को जीत के गुर सिखाएंगे कि आखिरकार चुनाव में किस तरह से समस्याएं होती हैं और उन पर कैसे जो कार्यकर्ता हों उनको काम करना चाहिए और एक एक बूथ पर कैसे लोगों को, मतदाताओं को निकाल कर लाएं और मतदान का प्रयोग कर सकें ताकि भाजपा को फिर चौथी बार जनता चुने। इस बार चौथी बार फिर शिवराज के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाने जा रही है। हालांकि उन्होंने कोई कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं किया है, पब्लिक मीटिंग नहीं करी है, लेकिन सिर्फ कमल शक्ति प्रदर्शन के नाम पर कार्यकर्ताओं को जान फूंकने का काम करेंगे। रीवा दर्शन के लिए विजय विश्वकर्मा। हम आपको लेकर चलते हैं अमित शाह की बैठक को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेने रीवा के पीटीएस मैदान में। भाजपा श्री शाह की बैठक में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, शायद इसीलिए तैयारियों को अपनी देखरेख में कराने के लिए पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभात झा 3 दिनों से रीवा में डेरा डाले हुए हैं।